से शुरुआत करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ी ये खबर है। जब डॉक्टर से रेप हुआ था, सीबीआई की चार्जशीट में हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई की चार्जशीट में संजय राय के खिलाफ 11 सबूत मिले हैं जो दिए गए हैं इस चार्जशीट में। आरोपी संजय राय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा हुए हैं। ट्रेनी डॉक्टर ने संघर्ष किया था, ये चार्जशीट में लिखा है। आरोपी संजय राय की बॉडी पर भी निशान है। डीएनए जो टेस्ट हुआ था, बाल की पुष्टि हुई है, यानी बाल जो मिले वो संजय राय के थे, ये बाल की पुष्टि हुई है। डीएनए रिपोर्ट जो इसके साथ लगाई गई है, इस चार्जशीट के साथ। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय राय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय राय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले। आपको बता दें, सीबीआई की चार्जशीट के 3 पॉइंट्स जो हैं, पहला है कि विक्टिम की बॉडी पर संजय के डीएनए की पुष्टि हुई है, छोटे बाल मिले हैं, संजय की जींस पर विक्टिम का ब्लड भी मिला है। घटना के दौरान विक्टिम ने संजय का विरोध किया था, जिसकी वजह से संजय को चोटें आईं। विक्टिम के संघर्ष के निशान संजय की बॉडी पर मिले हैं। जिस जगह घटना हुई वहां भी संजय राय की मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज में पाई गई है। इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल, रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन ने भी कंफर्म किया है कि घटना स्थल पर यह अपराधी मौजूद था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय राय को पुलिस ने अरेस्ट किया। इस घटना के विरोध में ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल पर रहे, जिसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी शामिल हो गई। पूरे देश में इस घटना को लेकर बवाल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़े इसको लेकर धरने प्रदर्शन किए थे, कोलकाता में, पूरे वेस्ट बंगाल में। इस पर काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। और रैनिक दत्ता इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या कुछ लिखा है संक्षेप में? तो हमने बता दिया इस चार्जशीट के बारे में, डीएनए रिपोर्ट के बारे में, क्या कहना है सीबीआई अधिकारियों का? देखिए, सीबीआई की तरफ से 59 डेज के टाइम पर ही ये चार्जशीट पेश किया गया है। जो चार्जशीट है, 45 पेज का चार्जशीट दिया गया है। सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है ये फर्स्ट चार्जशीट है और ये चार्जशीट आरजी कौर का घटना में रेप एंड मर्डर किसने किया था इसका अगेंस्ट में ये चार्जशीट दिया गया है। जो चार्जशीट में 128 विटनेस का जिक्र सीबीआई की तरफ से किया गया है और टोटल 65 आइटम रिकवर हुआ है, उसका लिस्ट भी सीबीआई की तरफ से ये चार्जशीट पे पेश किया गया है। सीबीआई की तरफ से कुल मिलाकर ये पूरा चार्जशीट में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ था, ये घटना में संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है, उनको ही मेन आरोपी कहके पकड़ा है। सीबीआई की तरफ से मेंशन किया गया है कि संजय रॉय ही रेप एंड मर्डर मामले पर मेन एक्यूज है, उनके खिलाफ नहीं। भारतीय न्याय संहिता का 64, 63 और 123 ये धाराएं लगाया गया है। जैसे कि सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है, कुछ पॉइंटर सीबीआई की तरफ से ऐड किया गया है, पूरा सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है और सीबीआई के हाथ में जो जो एविडेंस आया है उसका पुष्टि करने के बाद ही सीबीआई ये नतीजे में पहुंचे हैं कि ये पूरा घटना के पीछे संजय रॉय मेन आरोपी है। ये पूरा घटना पर सीसीटीवी फुटेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ऐसा ही सीबीआई का कहना है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से संजय रॉय का ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में आना, संजय रॉय का आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का थर्ड फ्लोर में पहुंचने से अलावा भी और भी संजय रॉय का क्या एक्टिविटीज था, वो एक्टिविटीज मिला है कोलकाता पुलिस का सीसीटीवी फुटेज और उसके साथ साथ ही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इनसाइड और आउटसाइड का जो सीसीटीवी फुटेज, उस सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हाथ लगा है। जैसे कि सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर है कि संजय रॉय 8 तारीख से लेकर 9 तारीख सुबह तक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 बार पहुंचे थे। पहला तो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में रात को 10 बजे के आसपास पहुंचे थे, उसके बाद 11:15 पर पहुंचे थे,
थे, उसके बाद ही रात को 3:20 पर आरजीटा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे संजय रॉय। ये संजय रॉय को आरजीटा मेडिकल कॉलेज का जो सीसीटीवी फुटेज इसमें देखने को मिला है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज नहीं, सीसीटीवी फुटेज के अलावा भी संजय रॉय के खिलाफ में बहुत सारे ऐसा पुख्ता एविडेंस सीबीआई का हाथ लगा है, वो है डीएनए प्रोफाइलिंग का रिपोर्ट। डीएनए सैंपलिंग के लिए रिकन्फर्म करने के लिए दिल्ली एम्स में भेजा गया था रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आ चुका है, वो भी सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में मेंशन किया गया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई का कहना है कि री एग्जामिनेशन पर संजय रॉय का जो डीएनए ये मैच कर गया और संजय रॉय का जो स्वाब सैंपल दिया गया था वो भी मैच कर गया था। और ये पूरा घटना को लेकर सीबीआई का जो जांच था, जिस तरीके से सीबीआई का जांच था वो भी मेंशन किया गया है ये चार्जशीट में। सीबीआई की तरफ से मेंशन किया गया है कि सीबीआई की तरफ से एक 3D मैपिंग किया गया था, सीबीआई की तरफ से सीसीटीवी फुटेज देखा गया था, सीबीआई की तरफ से ये देखा गया था कि संजय रॉय के साथ और कौन कौन शामिल है, संजय रॉय उस रात में कहां कहां गए थे, उनके साथ जो उनका और एक दोस्त सिविक वॉलंटियर वो भी मौजूद थे, उनको भी पूछताछ किया गया था। जैसे कि 128 जो विटनेस का बात सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में मेंशन किया गया है उसमें उस सिविक वॉलंटियर का विटनेस भी है, जिस सिविक वॉलंटियर की तरफ से कहा गया कि रेनिक सिर्फ अकेले संजय राय को ही आरोपी बनाया है मुख्य आरोपी, इसके अलावा इसको जिसने मदद पहुंचाई, जो और इसके साथ जुड़े हुए लोग थे जिनको इसने फोन किया या सबूत मिटाने की जिन लोगों ने कोशिश की, क्या उनके भी नाम इसमें हैं, क्या उनका भी कुछ हवाला दिया गया है इस चार्जशीट में? एकदम ही देखिए, सीबीआई की तरफ से चार्जशीट का एकदम लास्ट दिख का जो पन्ना है उस जगह पर सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण चीज मेंशन किया है, क्योंकि ये आरजीकौर रेप एंड मर्डर मामले पर सीबीआई की तरफ से आरजीकौर का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल दोनों को गिरफ्तार किया गया था, उसका सिलसिले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में मेंशन किया गया है कि एविडेंस टेम्परिंग और एविडेंस ऑल्टरेशन में संदीप घोष और अभिजीत मंडल ये दोनों का अहम भूमिका था। संदीप घोष अभिजीत मंडल के साथ एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकता है, ऐसा सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में मेंशन किया गया है। सीबीआई की तरफ से ये जो पूरा मामले पर और भी लोग शामिल हो सकता है ऐसा भी मेंशन किया गया है, मगर सीबीआई का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये जो चार्जशीट सीबीआई की तरफ से शियालदा कोर्ट में पेश किया गया है ये सिर्फ पहला चार्जशीट है, इसके बाद और एक एडिशनल चार्जशीट सीबीआई की तरफ से दिया जा सकता है, जिस चार्जशीट में संदीप घोष अभिजीत मंडल के अलावा भी और भी बहुत सारे नाम जो कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल को हेल्प किए थे एविडेंस टेम्परिंग या ये संजय रॉय को छुपाने या बचाने के लिए, उसका नाम भी सीबीआई ने वो चार्जशीट में रख सकते हैं। मगर सवाल दूसरी जगह में आ रहा है कि संजय रॉय जब मेन एक्यूज था, मेन दोषी था, तो संजय रॉय को छुपाने के लिए संदीप घोष अभिजीत मंडल क्यों इतना प्रेशराइज किए थे, इतना क्यों उन लोगों की तरफ से एक्शन लिया गया था, ये सवाल जब आ रहा है उसकी जगह से सीबीआई का ये जो एक पॉइंट सीबीआई की तरफ से ये चार्जशीट में जो पॉइंट दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि संदीप घोष अभिजीत मंडल के अलावा भी इसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकता है, ये एक मेन पॉइंट हो सकता है, ये पूरा मामले का नया कुछ खुलासा भी हो सकता है। मगर फिलहाल तो सीबीआई की तरफ से ये पूरा घटना में रेप एंड मर्डर मामले में मेन एक्यूज ठहराया गया है ये संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। सीबीआई की तरफ से ये भी मेंशन किया गया है संजय रॉय का जो पास्ट हिस्ट्री वो भी चार्जशीट में मेंशन किया गया है सीबीआई की तरफ से, जिस पास्ट हिस्ट्री में सीबीआई ने मेंशन कर रहे हैं कि संजय रॉय का इसके पहले 3 शादी हो चुका था, संजय रॉय 2018 साल पे कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर के रूप में ज्वाइन किए थे, उसके बाद संजय रॉय का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रहने की इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका, आगे आपसे जानकारी